नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। दोस्तों, एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और आप सभी लोगों को कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। एक बात और दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित परास्नातक अर्थात दोस्तों MA, MCOM, MSc, MSc कृषि के सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर यानी जून 2021 द्वितीय वर्ष एवं चतुर्थ एवं स्नातक स्तर की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में BSc कृषि तथा BSc गृह विज्ञान की सम सेमेस्टर द्वितीय चतुर्थ षष्टम और अष्टम यथानुसार की मुख्य परीक्षा बैक पेपर परीक्षा भूतपूर्व छात्रों की परीक्षाओं तथा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित LLM, LLB त्रिस्तरीय चतुर्थ एवं षष्टम सेमेस्टर की परीक्षाओं तथा विश्वविद्यालयों परिसर में संचालित समस्त स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों यानी AICTE से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को छोड़कर की सम सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म दिनांक 1/6/2021 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरवाए जाने हैं। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त कक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in एवं www.ccsuwev.in पर भरवाने की तिथियां निम्न अनुसार निर्धारित की जाती हैं। तो दोस्तों, जितने भी परा स्नातक स्तर के छात्र हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को ऊपर बताया गया है कि MA, MCOM, MSc के अंतर्गत जितने भी छात्र आते हैं उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की जो है तिथियां निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, इन तिथियों के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी दे दें कि छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध होने की जो तिथि है, प्रारंभिक तिथि 1 जून 2021 है, और छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि तथा ऑनलाइन शुल्क परीक्षा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 15 जून 2021 है। क्या है दोस्तों? 15 जून 2021। परिपूर्ण परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय या संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून 2021, और महाविद्यालयों संस्थानों द्वारा परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कराने या करने की जो अंतिम तिथि है वह 18 जून 2021 है, 18/6/2021 है। दोस्तों, एक विशेष नोट के रूप में दिया गया है, आप सभी लोगों को बता दें कि समस्त छात्र छात्राओं को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध संदर्भित परीक्षा फॉर्म भरे जाने से संबंधित समस्त नियमों का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरा जाना सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त तिथियों के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा फॉर्म किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त महाविद्यालयों संस्थान विभाग सभी सम सेमेस्टरों के मुख्य परीक्षा बैक पेपर परीक्षा भूतपूर्व छात्रों के परीक्षा फॉर्म को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कराएंगे। LLM व LLB त्रिस्तरीय केवल द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म बाद में भरवाए जाएंगे, और परीक्षाएं करवाने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार यथा समय विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो अभी आप सभी लोगों का 1 जून 2021 से फॉर्म भरा जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 15 जून है, और आप सभी लोग विश्वविद्यालय में अपने यानी अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय में 16 तारीख तक आप लोग अपने फॉर्म को जमा करेंगे 16 जून तक, और विद्यालय जो है आप सभी लोगों का 18 जून तक जो है विश्वविद्यालय में जमा कराएगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों की जो परीक्षा की तिथि है वह अभी निर्धारित नहीं की गई है,
जैसे ही कोई उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिशा निर्देश आएगा उसके बाद आप सभी लोगों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।